तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की जो क्लास है आपका छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का इतिहास देखने वाले हैं, जो आपके CGPSC, CG व्यापम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग PSC प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक जरूर देख के जाना। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को है, ठीक है, CGPSC का जो एग्ज़ाम है 12 फरवरी को होने वाला है, तो एक बार रिवाइज करके जरूर जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पूरा डिटेल के साथ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का इतिहास देखेंगे, यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल की इतिहास अर्थात छत्तीसगढ़ की जो इतिहास है कलचुरी वंश की, बहुत ही अहम भूमिका थी। इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक, यह आपका 40 दिया है जबकि ये आपका 1741 है, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश का जो इतिहास है, तो 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 1741 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है। कलचुरी राजवंश का छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। मैं जो भी बातें बताऊंगा उसको नोट करते चलिएगा, अंडरलाइन करते जाऊंगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, 1000 ईसा पूर्व से 1741 ईसा पूर्व तक शासन किया कलचुरी राजवंश ने। और यहाँ पर देखिए, कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाता है कि कलचुरी राजवंश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तक शासन करने वाला वंश है, तो आपका आएगा कलचुरी वंश, ठीक है। अब कलचुरी राजवंश की जो स्थापना है, आपका 1000 ईसा पूर्व में कलिंग राज ने किया था। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे कि कलिंग राज ने किया था 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब देखिए, कलचुरी राजवंश के जो छत्तीसगढ़ में अपनी प्रथम भूमिका यानी कि राजधानी तुम्बाड़ को बनाया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहला राजधानी तुम्बाड़ को बनाया था। और यह महत्वपूर्ण बात है कि मराठाओं के अधीन शासन करने वाला प्रथम शासक रघुनाथ सिंह था, ठीक है, प्रथम शासक। नोट करते जाइएगा, मैं जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार पढ़ के जाइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को डेली क्लास करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम के बारे में आप कहूँ तो टाइम आपका 7:30 और 8:30 कराया जाता है रात शाम को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ, मराठाओं के अधीन शासन करने वाला पहला शासक है आपका रघुनाथ सिंह, जबकि अंतिम और स्वतंत्र कलचुरी शासक यही था, ठीक है। और मराठाओं के अधीन शासन करने वाला अंतिम शासक मोहन सिंह था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और कलचुरी वंश के शासक की जो कुल देवी थी गजलक्ष्मी थी, ठीक है, क्या थी, गजलक्ष्मी। और कलचुरी काल के जो प्रसिद्ध कवि था गोपाल मिश्र थे, गोपाल मिश्र था, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कलचुरी काल की जो प्रसिद्ध कवि था वो गोपाल मिश्र, और साथ ही कलचुरी राजवंश की जो शासक कुल देवी आपको गजलक्ष्मी था, नोट कीजिएगा। अगर देखिए मराठाओं के अधीन अंतिम शासक पूछा जाए तो मोहन सिंह बताइएगा और प्रथम शासक रघुनाथ सिंह, जबकि कलचुरी वंश का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था। देखिए, घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, कलचुरी वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो रघुनाथ सिंह बताइएगा, और यहाँ पर मराठाओं के शासक प्रथम बोलेगा तो आप रघुनाथ सिंह ही बताएंगे, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए, इसके प्रमुख शासक कौन कौन है, देखिए क्रम वाइज पूछता है, ठीक है, क्रम वाइज यहाँ पर पूछता है कि कौन कितने साल तक शासन किया है, ठीक है। तो देखिए, रतनपुर में कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक कौन कौन है, रतनपुर में कलिंगराज, कमलराज, इधर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो वास्तविक संस्थापक था आपका कलिंगराज था। एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे कलिंगराज। कलिंगराज ने 1000 ईसा पूर्व से 1020 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है। कलिंगराज ने अपनी राजधानी तुम्बाड़ को बनाया और चैतुरगढ़ तुम्बाड़ में महिषासुर मर्दनी नामक मंदिर का निर्माण कराया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महिषासुर नामक मर्दनी का मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया है, तो आप बताएंगे कलिंगराज ने करवाया है, ठीक है। अब कमलराज के बारे में देखेंगे, कलिंगराज का पुत्र कौन है, कमलराज, ठीक है, जो लगभग 1020 ईसा पूर्व में तुम्बाड़ में शासन किया, ठीक है।
और कमल राज का शासन 1020 से 1045 ईस्वी तक रहा और इन्होंने त्रिपुरी शाखा के शासक गंगदेव की उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद है रत्नदेव प्रथम। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। रत्नदेव प्रथम 1045 ईसा पूर्व से राजगद्दी पर बैठा और 1065 ईस्वी तक शासन किया। अगर पूछ लिया जाता है कि रत्नदेव यानी कि रत्नदेव पहला, ठीक है, प्रथम ने कितने दिनों तक शासन किया, तो 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक। ठीक है, और इसी बीच इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना किया और अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब तुम्बाड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक था, तुम्बाड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक था और तुम्बाड़ से तीन राजाओं ने सत्ता संभाली, कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम। अगर क्रम वाइज पूछता है ये वाला, तो आप पहला कलिंगराज, उसके बाद कमलराज, उसके बाद रत्नदेव प्रथम तीन बार पूछेगा, तो आप बताएंगे कि तुम्बाड़ में तीन राजाओं ने शासन में सत्ता संभाली, क्रम से क्या होगा, पहला कलिंग, दूसरा कमल, तीसरा रत्नदेव। ठीक है, चलिए अब रत्नदेव प्रथम ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। रत्नपुर में महामंदिर का जो निर्माण किया था 11वीं शताब्दी में निर्माण कराया था। कौन सी शताब्दी, 11वीं शताब्दी में। लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी का निर्माण कराया था। ठीक है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि तुम्बाड़ में रत्न शिव मंदिर का निर्माण कराया था, यानी कि देखिए रत्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण, रत्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण तुम्बाड़ में कराया था, यही शिव मंदिर बनवाया था जिसे वंकेश्वर शिव मंदिर कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि वंकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, रत्नदेव प्रथम ने। महामाया मंदिर पूछेगा तो आप बताएंगे रत्नदेव प्रथम। ठीक है, अब साम्राज्य का विस्तार अब यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इतना नहीं पूछता उसको। ये पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। रत्नदेव के पश्चात उसका पुत्र कौन था, पृथ्वीदेव प्रथम, जिन्होंने 1065 ईसा पूर्व से 1095 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, और यहाँ पर उनके अनुसार 21,000 गांवों के स्वामी थे। ठीक है, और यहाँ पर सकल कौशलधिपति की धारण की उपाधि धारण की थी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सकल कौशल उपाधि की धारण किसने किया था, तो आप बताएंगे पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, और प्रचंड कौशलधिपति महामल्लेश्वरम समांगधिपत से पंच की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, अब देखिए यह तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए रत्नदेव यानी कि रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया था किसने, पृथ्वीदेव प्रथम ने। किसने, पृथ्वीदेव प्रथम ने। एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछता है मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में यानी कि लाफागढ़ का किला भी बनवाया था जिस तीन प्रवेश द्वार थे, मेनका दरवाजा सिंह, ठीक है, सिंह दरवाजा और हुंकारा दरवाजा। ठीक है, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और हुंकारा दरवाजा। तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, ये इतना खास नहीं है, यहाँ जाजल्यदेव को देखते हैं। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम का देखते हैं, तो जाजल्यदेव प्रथम पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र था और यहाँ से इन्हें 195 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा और 1120 ईस्वी तक शासन किया। अब पूछा गया है कि जाजल्यदेव प्रथम का शासन काल 1095 से 1120 ईस्वी तक था। ठीक है, अब गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण किए थे, एग्जाम में पूछता है गज शार्दुल। ठीक है, गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण किया था, तो आप बताइएगा जाजल्यदेव प्रथम ने। ठीक है, जाजल्यदेव त्रिपुरी के अधीन स्वीकार कर दिया और छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के चलवाए, एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के किसने चलवाए, तो आप बताएंगे जाजल्यदेव प्रथम ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए। श्रीमद जाजल्यदेव गज शार्दुल को चित्रित अंकित करवाया। ठीक है, और तांबा के सिक्के चलवाए जिनकी आकृति चंदेलो यानी कि सिक्कों के समान हनुमान की आकृति थे, किसके, हनुमान के समान की आकृति थे। नोट कीजिएगा फिर से इसको, गज शार्दुल की उपाधि जाजल्यदेव प्रथम ने, छत्तीसगढ़ में स्वर्ण के सिक्के किसने बनवाए थे, जाजल्यदेव प्रथम ने, गज शार्दुल चित्रित करवाया था जाजल्यदेव प्रथम ने, तांबा के सिक्के चलवाए किसने, जाजल्यदेव प्रथम ने, चंदेलों के सिक्कों के समान हनुमान की आकृति के थे, जाजल्यदेव प्रथम के थे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। अब देखते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है,
कि देखिए जो नक्टा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको विष्णु भगवान मंदिर जो कि आपका जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, और जाजल देव ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। एग्जाम में पूछता है आपका, है ना, पीएससी और व्यापम के एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण यानी कि जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो जाजल देव प्रथम ने, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था, ठीक है। आप देखिए पाली के शिव मंदिर के जो द्वार पर श्रीमद जाजल देव देवस्य कृति के उत्तीर्ण करवाया था, और जाजल देव प्रथम छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया था, तो आप बताएंगे जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित किया था, उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। लेकिन सोमेश्वर देव की जो माता थी गुंडम देवी, ठीक है, गुंड महादेवी की आग्रह करने पर उसे स्वतंत्र कर दिया था। देखिए ये टॉपिक आप याद रखिएगा, जाजल प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। एग्जाम में पूछता है कि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया था, तो आप बताएंगे जाजल देव प्रथम ने, और जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित कर उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, और साथ ही सोमेश्वर देव की जो माता थी गुंडम महादेवी, ठीक है, गुंड महादेवी जो आग्रह करने पर उसे स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा रत्नदेव द्वितीय के बारे में, तो रत्नदेव द्वितीय ने लगभग 1120 ईसा पूर्व से राज्य संभाला और 1135 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। दूसरा टॉपिक है द्वितीय ने ओडिशा के शासक अनंत वर्मन चोडगंग को शिविर नारायण के समीप पराजित किया, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि अनंत वर्मन चोडगंग को शिविर नारायण के समीप किसने पराजित किया, तो रत्नदेव द्वितीय ने, ठीक है। और देखिए ये तो उतना नहीं पूछ रहा है, यहाँ ये पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में ज़्यादा पूछता है। तो देखिए ये इसका शासनकाल 1135 से 1165 ईस्वी तक था, जबकि इनके जानकारी के अनुसार राजिम में सिलक से मिलती है, और पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए जिनकी संख्या 13 है, ठीक है। और पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में बात करें तो जगतपाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो आप बताएंगे पृथ्वीदेव द्वितीय ने, ठीक है। और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था, ये याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण करवाया था नलवंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्य देखते हैं इसका, पृथ्वीदेव का जो शासनकाल है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आता है। तो देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर के लाल किला का निर्माण करवाया, जो कि गज किला के नाम से जाना जाता है, और गज किला में रावण की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें रावण स्वयं की सिर काट रहा है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीदेव के शासनकाल के जो निर्माण में क्या क्या कार्य हुए हैं, तो गज किला में रावण की ऐसी प्रतिमा है जिसमें रावण स्वयं का सिर काट रहा है, ठीक है, और पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर के लाल किला का निर्माण करवाया था, और इन्हीं के शासनकाल में रतनपुर के खड़ग तालाब का निर्माण भी करवाया गया था, ठीक है, और इनके सामंत वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण भी करवाया था, ठीक है, और सामंत ब्राह्मण देव ने संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर एवं नारायणपुर बलौदा बाजार में धुरजरी मंदिर और डूमर महल बनवाया था, ठीक है। चलिए एग्जाम में पूछता है कि जाजल द्वितीय के बारे में, तो ये ज़्यादा दिन शासन नहीं किया था, ठीक है, इनके शासनकाल में चंद्रचूर मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि जांजगीर चांपा में शिविर नारायण है, ठीक है, एक बार याद रख लीजिएगा जाजल द्वितीय के बारे में, तो इन्हीं के शासनकाल में चंद्रचूर मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। और यहाँ देखिए ये एग्जाम में आता है कि सोमराज नामक ब्राह्मण ने मल्हार के केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम में पूछता है कि केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसके शासनकाल में, तो ये आप बताइएगा सोमराज नामक ब्राह्मण ने मल्हार के केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, किसके शासनकाल में, अभी मैं आप सभी को बताया हूँ, देखिए यहाँ पर जाजल द्वितीय, ठीक है। चलिए अब जगत देव के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद कल क्लास करेंगे, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। जगत देव ने जाजल देव की मृत्यु के बाद सत्ता की बागडोर संभाली, साथ ही जाजल देव मृत्यु के बाद राज्य में अवस्था फैली हुई थी जो कि समाप्त किया,
और जगत देव ने शासन काल 1168 से 1178 ईस्वी तक था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता ये वाला टॉपिक से, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं फिर कल क्लास करेंगे, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के बारे में, तो जगत देव के बाद रत्नदेव तृतीय ने शासन किया था कितने साल, 1178 से 1198 ईस्वी तक। इन्हीं के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था, किसके शासनकाल में, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में, ठीक है। और इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी यानी कि एक विराट देवी मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था इन्होंने। खरौद के लक्ष्मण मंदिर का जीर्णोद्वार सेनापति गंगाधर राव के द्वारा करवाया था, ठीक है, सेनापति गंगाधर राव के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक क्लास कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट वन वीडियो था, पार्ट टू वीडियो कल के लिए लाऊंगा, ठीक है। टाइम बता दे रहा हूँ 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में वीडियो अपलोड की जाती है। आपको कैसा लगा चाहे वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको जानकारी दिया हूँ वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। एक बार बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, छोटा सा वीडियो मैं लाया था जो कि प्रयास के तौर पर आपको समझाया हूँ। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में डेली क्लास लाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जो कि आपकी PSC और व्यापम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।